यहाँ पर एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। यहाँ पर एकादशी का दिन था, नंद बाबा ने व्रत किया था और हो ये गया कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी का पारायण करना था और उन्हें पारायण करने के लिए स्नान करके पूजा पाठ करना था। पता नहीं नींद जल्दी खुल गई और वे अविज्ञाया सुरीम वेलाम प्रविष्टम मुदकम निशी, रात में वे जा करके किस रात में आसुरीम बेलाम और उन्हें अविज्ञा अनजाने में और यमुना जी में घुस गए। आसुरी बेला जानते हो नहाने धोने के लिए कब होती है? है 2 बजे के बाद में रात में, 12 से 3 बजे तक की आसुरी बेला होती है। 2 बजे के बाद बहुत से महात्मा 2:30 बजे 3 बजे नहा लेते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक आसुरी बेला होती है। और वे आ गए जल्दी और जब वे जल्दी आए तो यहाँ नहाने लग गए। वहीं पर घूम रहे थे वरुण देव के अनुचर और उनको रात में ही वह पकड़ गए और वरुण जी के पास लेके चले गए। यशोदा में यह प्रतीक्षा कर रही कि यहाँ मैं चाय पिए, सवेरे देख नहीं रही होंगी, हाँ कि वे सवेरे तो आ जाते थे, तुलसी को जल देते थे, पूजा करते थे, ये करते थे, आज आए नहीं। भेजा गोपालों को, देखो कहाँ है। गोपाल गए चारों तरफ देखा, यमुना जी के किनारे आए, वहाँ पर नंद बाबा के जाबे के पैर बने ऊपर रखा है, सोटा सोटा माने डंडा वहीं रखा है, लोटा वहीं रखे हैं, कपड़े जाने के पैर बने, वापसी के पैर नहीं बने। गोपालों ने बताया, यशोदा मैया घबरा गई और रोने लग गई, कहने लगे हाय हाय आज नंद बाबा यमुना जी में। भगवान, जब यशोदा माता रोने लग गई तो भगवान ने कहा माता क्या हो गया? कहने लगे आज नंद बाबा डूब गए यमुना जी में। भगवान ने ध्यान से देखा कहाँ हैं, और जब ध्यान से देखा तो वे वरुण जी के यहाँ बंधे मिले। उन्होंने कहा मैया चिंता मत करो, नंद बाबा को लेके आएंगे। एकदम शांति हो गई, सभी लोग निर्भय हो गए। और जब निर्भय हो गए भगवान गए वरुण जी के यहाँ और वहाँ पर प्राप्तं वीक्ष ऋषिकेश लोकपाला सपर्यया, बड़ी अच्छी सेवा करी और सेवा करने के बाद महात्या पूजित्वाह तद्दर्शन महोत्सव, बड़ी अच्छी पूजा करके और कहने लगे कि आपके आने से हमारे यहाँ उत्सव हो गया और बड़ा अच्छा लगा है आप हमारे यहाँ आए। लेकिन पूछा भगवान आज कैसे पधारे, क्या बात? उन्होंने कहा कि पूछ रहे हो क्या बात, हमारे बाबा को तो तुमने बांध रखे हो। अब वरुण जी को याद आई, हे भगवान ये इनके पिताजी को बांध लाए हैं। तब उन्होंने देखा कि वरुण जी ने कहा क्षमा मांगने लग गए भगवान से, लेकिन क्षमा मांगने का क्या तरीका था? कहने लगे कि सुनो अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना, हमारे जो सेवक अनजान हैं इन्होंने यहाँ पर ला करके बैठा दिया, बांध दिया है, और इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अकार्य वेदना, इन्हें पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए और ये हमें ला करके बांध दिया। इसलिए आनी तो यम तव पिता, तुम्हारे पिताजी को लेके आ गए। तद भवान छन तुम अरहते, उनको आप क्षमा कर दो। मालूम है एक बात बताओ, और ये बहाना कैसा है मालूम है? जैसे कि आजकल की बहू, ठीक है, चीनी मिट्टी के कप मांज रही हो, तुम बताना तुम्हारे यहाँ है बहू, पोता है छोटा,
बड़ा हो गया होगा। हाँ है। अच्छा एक बार बताओ, अगर जो बहू माँज रही हो चीनी मिट्टी के कप नीचे, और वहीं पोता बैठा हो, और चीनी मिट्टी का या कांच का गिलास या कप स्वयं तोड़ दे, और वहीं बैठा है पोता छोटा सा 1.5 साल का, सच बताना बहू किसका नाम लगाएगी? और क्यों लगाएगी? कि अगर जो हमारी सासू मैया को पता लग गया कि हमारे पोते ने तोड़ दिया, एक शब्द नहीं कहेगी। क्यों? दादी को पोता बहुत प्यारा होता है भाई। हाँ, एक शब्द नहीं। कोई बात नहीं बहू, हम फिर एक दर्जन ले आएंगे। कहोगे कि नहीं, हमें सब पता है। और यही फॉर्मूला लगा दिया वरुण जी ने, गलती स्वयं की, और कहने लगे कि ये जो हमारे सेवक हैं ये अनजान हैं, लेके आ गए हमारे सेवक सो तुम्हारे सेवक, तत् भवान क्षंतम अरहति, इनको तुम क्षमा कर दो। ये लड़कियां छोटी छोटी सब सीख रही हैं कि किस प्रकार से हमें बचना है सास से। जब इस प्रकार से कहा भगवान ने पिताजी को ला करके ब्रज में जब प्रस्तुत कर दिया, अब ब्रजवासी कहने लगे कि महाराज कृष्णे चस सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत। और जब नंद बाबा पहुंच गए, बड़े आश्चर्यचकित हो करके कहने लगे, क्या बताया जाए, उसका तो इस लोक की बात छोड़ो, इसके तो देवलोक में भी इसका आदेश चलता है, इसके समझ में नहीं आता ये कितना बड़ा है। देवता हाथ जोड़े खड़ा, क्योंकि नंद बाबा वहां पर देख रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, नंद बाबा बंधे पड़े हैं, भगवान कृष्ण जैसे ही गए तुरंत हड़बड़ा के खड़े हो गए हैं, और आके ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, और वहां पर कृष्ण की पूजा हो रही है। आप सबके विचार से बताओ, नंद बाबा को प्रसन्नता होनी चाहिए या दुख? क्या कह रहे हो? प्रसन्नता इनके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से इन्हीं के वोट पक्ष में वोट दे रहे, तुम्हारे हिसाब से नो कमेंट है ना, कोई मतलब ही ना इन्हें। बिल्कुल सच है, भले ही पिताजी किसी भी परिस्थिति में हों, जब अपने बच्चे को ऊंचे पद पर देखते हैं ना, तब पिताजी की छाती चौड़ी होकर के 75 इंच की हो जाती है। भले ही बंधे पड़े हैं, उन्हें तो ये तो हो ही गया कि जब हमारे लाला की इतनी इज्जत हो रही, तो हमें तो अभी 1 मिनट लगेगा इनको छोड़ने में, हड़बड़ी में छोड़ेंगे, लेकिन हमारे लाला का इतना बड़ा प्रभाव। और यही बात उन्होंने आकर के ब्रजवासियों को बता दी, और जब ब्रजवासियों को बताई तो सारे के सारे ब्रजवासी वहां पर आकर के कहने लगे कि अपिना स्वगतिम सूक्ष्मम उपाधास्य यदि स्वरः, प्रभो आपको मैं जान गया, ऐसे ऐसे आपने कर्म किए जिसका मनुष्य के हाथों वे कर्म हो पाना असंभव था। और एक बात और है जो आज नंद बाबा ने बताया है कि तुम्हारी तो देवता लोग भी स्तुति करते हैं, तो इसका मतलब आप साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा बताओ, मान लो कि मैं ईश्वर हूँ। तो कहने लगे कि अपिनः यदि आप साक्षात ईश्वर हो तो सूक्ष्मम सूक्ष्म गति को उपाधास्य यदि ईश्वर, आप हमें अपनी उस सूक्ष्म गति का दर्शन करा दीजिए। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने इति स्वानाम सा भगवान विज्ञाय अखिल दृक् स्वयं, भगवान प्रत्येक जीव के अंदर बैठे हुए परमात्मा ने देखा कि संकल्प सिद्ध है तेषम कृपय तत् चिंतयन,
और उन्होंने विचार किया कि नहीं, इनका संकल्प पूरा करना ही चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कारण भी बताया, क्योंकि जनो वै लोके एतस्मिन विद्या काम कर्म भी, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति विद्या काम कर्मों में इतना फंसा हुआ है कि उच्चावचेषु गतिषु न वेद स्वम गतिम भ्रमन, ऊंची और नीची गतियों में आता जाता रहता है, अपनी असली गति को नहीं जान पाता और वो भटकता ही रहता है। तो इसलिए इनके पास इत संचिंत भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। इस प्रकार से विचार करके भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वो तम माने अंधकार से जो परे है, और एक तम का मतलब एक गुण होता है, जहाँ पर तमोगुण किसी भी प्रकार का और सतोगुण किसी भी प्रकार का काम ना करे, अंधेरा जहाँ पर बिल्कुल ना हो, उस ऐसे लोक का दर्शन कराया। कब कराया? ब्रजवासियों ने अपने पुरुषार्थ से या भगवान की कृपा से? कृपा से कराया। रामचरितमानस में एक बात आई, जीव जब चारों तरफ भटक लेता है भगवान को दया आ जाती है, ठीक है, और जब भगवान को दया आती है तब क्या करते हैं वे, कि कब हूं के कर करुणा इस बिनु हेत तने देत, इस बिनु हेत तने। कभी कभी ईश्वर कृपा करके करुणा करके क्या देते हैं, नरदेही मनुष्य का शरीर दे देते हैं। जैसे कि आजकल जो जेल में पड़े होते हैं छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, उनको कभी कभी छोड़ दिया जाता है कि जाओ अभी भी अपना अच्छा जीवन प्रारंभ करो, ऐसे कर्म करो कि इस दरवाजे का मुंह ना देखना पड़े। हमारे कर्मचारी भी दया करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जब फिर भी उसी कर्म में लगते हैं तो दोबारा के लिए जान लेते कि अरे तो दया का पात्र नहीं है। लेकिन जब बार बार भटक लेते हैं तो भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता, फिर वे दया कर देते हैं कि कभी कुत्ता बन चुके, कभी गधा बन चुके, कभी बिल्ली बन चुके, कहीं कुछ बन चुके, और सब जगह गए, कभी कुत्ता बन करके कीड़े पड़े तो खूब दुख भोगा, कभी गधा बने तो चार चार चढ़ गए, डंडा मार रहे, बड़ा दुख हुआ, कभी कुछ हुआ। तो इस प्रकार से अनेक योनियों में देखो, मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी ऐसी योनि नहीं है जहाँ पर तुम योग कर सको। भगवान का नाम आप जप सकती हो ना, कुत्ता वो बैठा रहेगा, वो नहीं समझेगा उसके अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते हैं, एकाध परसेंट होते हैं जो करते भी हैं, कुत्ते भी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। देखा है कि मंदिरों में घंटी बजने लग गई, शंख बजने लग गया, कुत्ता भी अपना ऊंचा सुर सुना रहे हैं, वो भी भगवान की प्रार्थना कर रही है। रेयर केस होते हैं, ऐसा नहीं है कि अन्य योनियां भजन नहीं करती है, लेकिन मनुष्य को सबसे ज़्यादा सुगमता है। अच्छा ठीक है, नाम जाप आप कर लेते हो, कुत्ता भी अपने तरीके से कर सकता, हवन तुम कर सकते, कुत्ता कर लेगा, पूजा आरती अगरबत्ती, इसीलिए मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है इस संसार के भी सुख भोगने के लिए, और इसके बाद परलोक जाने का भी मार्ग प्रशस्त करने के लिए मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि जाओ तुमको मनुष्य बना के भेज दिया है, ऐसे कर्म करना कि तुम्हें यहाँ नरक में आकर के तुम्हारी कुटाई पिटाई ना हो। भगवान ने कृपा की और वैकुंठ का दर्शन कराया, और जो वैकुंठ कैसा है, लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम
जो सत्य है, ज्ञान से युक्त है, अनंत है और ब्रह्म ज्योति से संपन्न है और सनातन है। सनातन का मतलब समझते हो? सनातन की वैसे संस्कृत में व्याख्या एक एक शब्द करके करी जाए तो बड़ी लंबी हो जाती है। अब आप लोग पढ़े भी नहीं हो संस्कृत इतनी, तो व्यर्थ की बातें हो जाएंगी। सना का मतलब हमेशा रहने वाला, और उसी से सनातन शब्द बना है। तो कहने का मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो वो सनातन होता है। तो वो ऐसा धाम है जो सनातन रहने वाला है। और यदि ही पश्यन्ति मुनियों गुणा पाए समाहिता, और ऐसे धाम का मुनि लोग दर्शन करते हैं। कब? गुण अपाए, गुणों से जब दूर हो जाते हैं और समाहित माने एकाग्र चित्त से जब ध्यान करते हैं उस लोक का दर्शन तब कर पाते हैं। भगवान ने कैसे कराया? वृंदावन गई थी आप, रंगनाथ मंदिर भी देखा होगा। रंगनाथ के मंदिर से गोदा विहार के लिए और गोपेश्वर गई थी, याद नहीं है? तो रंगनाथ मंदिर में उत्तर दिशा के लिए वो आगे जब घुस जाते हैं गेट से तो बहुत बड़ा मैदान पड़ा है। पड़ा है कि नहीं? कम से कम 10-12 बीघे का मैदान पड़ा है। और उससे जब उत्तर दिशा में जाते हैं तो एक छोटा सा द्वार है, तो उसी द्वार के आगे गली है और गली के उस तरफ, मतलब एक सड़क का ही अंतर है, और इसके उस तरफ है ब्रह्म कुंड है। तो ब्रह्म कुंड में भगवान सबको ले गए। लिखा है ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता, और वहाँ पर ब्रह्म कुंड पर ले जा करके, और इतना विश्वास था भगवान का, क्योंकि ऐसे कर्म कर लिए थे, इतना विश्वास था कि भगवान जो कहते वो तुरंत करते थे। उन्होंने कहा यहाँ खड़े हो, सब खड़े हो गए, आंखें बंद करो, सबने कर ली, अब कहीं कूद पड़ो, लो सब कूद पड़े बिना सोचे विचारे, और कह के अब कूद गए। जब अब आंखें खोलो तो सामने देखा भगवान का दरबार लगा हुआ है, शेषनाग पर लेटे हुए हैं। छवि वही है बस थोड़ी बड़ी है। शेषनाग पर लेटे हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और देवता लोग खड़े हैं, और जहाँ पर ब्रजवासी खड़े वहीं पर एक द्वार है, द्वार से सामने दर्शन हो रहा, और वहीं पर दो द्वारपाल खड़े। अब जो वहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ पर भगवान का दर्शन तो हो रहा, अब उनका देखते अपना लाला कन्हैया वो, लाला कन्हैया वो, और तुरंत भागने लग गए। द्वारपालों ने रोक लिया विनम्रतापूर्वक, कहाँ जा रहे हैं भगवान? हम जा रहे भगवान अपने कन्हैया के दर्शन करने। क्योंकि सुनो ब्रजवासियों, ये वैकुंठ धाम है, ये वृंदावन नहीं है कि जहाँ मिले वहीं पर दौड़ करके उसको पकड़ लो। ये वैकुंठ धाम में जीव की यहीं तक सीमा है, इसके आगे केवल ईश्वर की गति है, यहीं से दर्शन किया जा सकता। अब सारे ब्रजवासी एक दूसरे की शकल देखें, हे भगवान कैसा ये वैकुंठ धाम है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहते हैं, आँख बंद करते, आँख बंद करी। अब जब दोबारा खोली तो वे फिर वही ब्रह्म कुंड पर खड़े। अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे छोटे से। उन्होंने कहा कि बताओ आपको वो हमारा धाम कैसा लगा? उन्होंने कहा लाला तुम्हारा धाम हमें 2 पैसा का नहीं लगा, क्योंकि हमें वो वाला प्रेम चाहिए जो तुम हमारे साथ करते हो। आवश्यकता पड़ती है तो वन में जाते हैं, गाय चराते हैं, खेलते हैं, कभी आप हारते कभी हम हारते, लेकिन ज़्यादातर तो आप ही हारते हो। कुश्ती लड़ते हैं तो तुम ही हारते हो। हारते हो कि नहीं? क्योंकि हाँ बिल्कुल हारते हैं। कौन ताकतवर? क्योंकि आप। ठीक है, तो हमें वही वाला प्रेम चाहिए। वो प्रेम नहीं चाहिए कि जहाँ दूर से दर्शन हो रूखा रूखा, और वहाँ से इसके बाद बाहर कर दिया जाए। वृंदावन के कहते हैं साधु, अरे कहा करूं वैकुंठ
कुंड को जाकर के हम क्या करेंगे। परमात्मा का प्रेम हमें जो यहां वृंदावन में आप दे रहे हो, उसी प्रेम की आवश्यकता है, दूसरे किसी भी प्रेम की हमें आवश्यकता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।